हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 हिस्ट्री क्लास 9 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर की आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेंबर्स ऑफ द एक्सिस पावर। मेंबर्स के नाम बताए जो कि एक्सिस पावर में थे, तो क्या नाम है? जर्मनी, इटली एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेंबर्स ऑफ अलाइज। अलाइज कंट्रीज जो थी उनमें कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। What was the Indwelling Act which was passed by Hitler after he took control on Germany? कौन सा Indwelling Act पास किया गया था हिटलर के द्वारा जब उसने कंट्रोल कर लिया था जर्मनी पे? तो Indwelling Act was passed in 1933 में किया गया था। It gave Hitler all powers to sideline the parliament and the rule by decree। उसने सारे powers हिटलर को दे दिए थे Indwelling Act जब साइन हुआ था तब, और वो जैसा चाहे वैसा रूल कर सकता था जर्मनी को। Mention four major terms of the Treaty of Versailles। फोर मेजर टर्म्स बताइए ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के बारे में। जर्मनी लॉस इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, अ टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 13 ऑफ इट्स टेरिटरी, 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया। जर्मनी ने अपनी जितनी भी ओवरसीज कॉलोनीज थी उसकी टेंथ ऑफ द पॉपुलेशन, 13% टेरिटरीज और 75% आयरन जो था, 26% कोल जो था, फ्रांस को, पोलैंड को और डेनमार्क और लिथुनिया को, ये सारी चीज़ें खो दी थी। द अलाइड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। धीरे धीरे जर्मनी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा वीकन होती जा रही थी। वॉर गिल्ट कॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉर। और जो वॉर हुआ था वो सब सारे चीज़ों का उसका कारण ये था कि जर्मनी ही रिस्पॉन्सिबल है ये जो वॉर की कंडीशन है उसके कारण। एंड डैमेज द अलाइड कंट्रीज सफर्ड, और सारी अलाइड कंट्रीज सफर हुई। जर्मनी वॉज फोर्स टू पे कंपनसेशन अमाउंटिंग टू अराउंड 6 बिलियन यूरो। और जर्मनी को क्या देना पड़ा उसके उसका भुगतान करने के लिए उनको कंपनसेशन भी पे करना पड़ा, कितना? अराउंड यूरो 6 बिलियन। नाउ द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच आयरलैंड। और फिर अलाइड आर्मीज ने क्या किया, जो रिसोर्स रिच आयरलैंड है उस पर भी कब्जा जमा लिया 1920s में। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वॉर बट द डिस्ग्रेस एट वर्सलीज। और सब जर्मन जितने भी थे सब किसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे? वाइमर रिपब्लिक, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ये जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि हमारी डिफीट इसी की वजह से हुई है, ये कुछ नहीं कर पाया उस समय। नाउ एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ हिटलर। कोई से भी 3 कंपोनेंट्स बताइए कि क्या आइडियोलॉजी थी हिटलर की जर्मनी को लेकर। अकॉर्डिंग टू नाजी थ्योरी देर वॉज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। अगर हम नाजी थ्योरी की बात करें तो उस समय कोई इक्वालिटी नहीं थी लोगों को लेकर, बट ओनली अ रैशियल हिरार्की। रैशियल का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस का मतलब कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इन दिस व्यू ब्लंड ब्लू आइड नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप। अब इसमें भी क्या होता था स्टूडेंट, क्लासेस होती थी। अब सबसे ऊपर की जो पोजीशन है वो किसको दी गई थी? नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को दी गई थी, जो कि सबसे ऊपर थे। और ज्यूज लोग जो थे, ज्यूज भी एक कास्ट है वहाँ पर, जो कि बॉटम मतलब सबसे नीचे जो माना जाते थे वो ज्यूज माने जाते थे। हिटलर बोरोड हिज आइडियाज फ्रॉम द थ्योरी ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। अब हिटलर ने जो आइडिया इंस्पायर करी थी, इन्होंने दो की थ्योरी अडॉप्ट की थी हिटलर ने, एक तो चार्ल्स डार्विन की और हर्बर्ट स्पेंसर की। दोनों ही साइंटिस्ट ने क्या एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था इवैल्यूएशन का और नेचुरल सिलेक्शन का। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया था कि कैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में। तो दिस आइडिया वॉज यूज बाय द नाजीज टू जस्टिफाई देयर इंपीरियल रूल एंड वॉर। और यही आइडिया इंस्पायर करते हुए हिटलर ने इसको अडॉप्ट किया और नाजीज ने इसको जस्टिफाई किया और इसी को रूल और वॉर में यूज़ किया गया। हिटलर ऑल्सो यूज द आइडिया ऑफ लैम्बर्स बंग और लिविंग स्पेस। हिटलर ने एक और आइडिया इस्तेमाल किया था लैम्बर्स रम, जिसका मतलब होता है लिविंग स्पेस का। ही बिलीव द न्यू टेरिटरीज हैड टू एक्वायर फॉर सेटलमेंट। उसका मानना था कि नई टेरिटरीज को हमें एक्वायर करना चाहिए सेटलमेंट पर्पज के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, वॉट वर द प्रोमिस मेड बाई हिटलर टू पीपल ऑफ जर्मनी। क्या प्रोमिस मेड किए थे हिटलर ने जर्मनी के लोगों से? ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस ऑफ द वर्सलीज ट्रीटी। उसने प्रोमिस किया कि वो एक ऐसा नेशन बनाएगा जहाँ पर इनजस्टिस जो वर्सलीज ट्रीटी ने करे उसको वो राइट डाउन करेगा, दोबारा से रिस्टोर करेगा जर्मन पीपल की डिग्निटी को। ही प्रोमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर लुकिंग फॉर एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। उसने प्रोमिस किया कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को, लोग अच्छे से काम कर सकेंगे, एक सिक्योर फ्यूचर देगा वो यूथ लोगों को। ही प्रोमिस टू वीड आउट ऑल फॉरन इन्फ्लुएंसेज एंड रेसिस्ट और फॉरन कॉन्स्पिरेंसीज अगेंस्ट जर्मनी। उसने प्रोमिस भी किया जितने भी फॉरन इन्फ्लुएंसेज हैं वो उसको रेसिस्ट करेगा फॉरन कॉन्स्पिरेंसी को, और जर्मनी को एक सारी कंट्रीज में एक बेहतर एम्पायर क्रिएट करके दिखाएगा। नाउ हाउ डिड द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अफेक्ट जर्मनी। अब ये जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था इसने किस तरीके से इफेक्ट किया जर्मनी को?
As in the USA and the rest of the world, the Great Economic Depression had adverse effect on Germany. बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट किया था जर्मनी को, पूरी तरीके से. बहुत लोगों की जॉब्स वगैरह चली गई थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो पूरा का पूरा कम हो गया था, लेस देन 40% हो गया था अगर हम कंपेयर करें 1929. और वर्कर्स आइदर लॉस देयर जॉब्स और वर पेड लेस, या तो जॉब्स ही खोती थी बहुत सारे लोगों, और जो लोग करते थे काम उनको भी बहुत कम मिलता था. तो अबाउट 6 मिलियन पीपल वर लेफ्ट विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट. 6 मिलियन लोग के पास तो काम ही नहीं था. जॉब्स डिसअपेयर्ड, द यूथ टुक टू क्रिमिनल एक्टिविटीज. अब जॉब ही नहीं बची तो यूथ क्या करने लगे, अपने आप को क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल करने लगे. टोटल डिस्पेयर, अ डीप एंजाइटी एंड अ फियर बिकम कॉमन प्लेस इन पीपल. सब तरफ एक तरीके से कॉमन फियर, लोगों के बीच में डर पैदा हो गया और वहाँ पर कोई और उनको चीज़ें नजर ही नहीं आई. तो द सेविंग्स ऑफ सैलरीड पीपल एंड द पेंशनर बिगेन टू डिमनिश. और जो सेविंग्स बची थी सैलरीड लोगों की, पेंशनर लोगों की, वो भी क्या हो गई, धीरे धीरे खत्म होने लग गई. व्हेन द वैल्यू ऑफ मनी वेंट डाउन, और जो वैल्यू थी मनी की वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई. स्मॉल बिजनेसेस वर नॉट पॉसिबल, छोटे मोटे बिजनेस तो चल ही नहीं पाते थे उस समय. एंड द शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस अफेक्टेड द पीसेंट्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और पीसेंट्स लोगों को एग्रीकल्चर के प्राइसेस भी इतने फॉल हो चुके थे कि वो भी बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्ट थे इस कंडीशन से. वुमेन वर इन डीप डिस्पेयर एज दे कुड नॉट फीड देयर चिल्ड्रन प्रॉपरली. वुमेन भी बहुत ज़्यादा अपसेट थी इस कंडीशन को लेकर, वो अपने चिल्ड्रन को भी फीड नहीं कर पाती थी प्रॉपरली ड्यू टू ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. नाउ व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट लेड टू हाइपर इन्फ्लेशन इन जर्मनी, और हाइपर इन्फ्लेशन कैसे देखा गया जर्मनी के अंदर. तो हाइपर इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिकली हाई. हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन प्राइसेस, एकदम से प्राइस का काफ़ी ज़्यादा बढ़ना, उसको हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. तो दिस सिचुएशन अकर्ड इन जर्मनी इन 1932 ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन. 1932 के अंदर अकर हुई थी और क्या कारण थे जिसके कारण हुई थी. तो जर्मन हैड फॉट द वॉर लार्जली ऑन लोन्स. जर्मन लोग क्या करते थे, जितनी भी वॉर की लड़ाई होती थी लोन्स पे करा करते थे, लेना पड़ता था पैसा क्योंकि वॉर में पैसा खर्च होता है. एंड हैड टू पे वॉर रिपार्केशन इन गोल्ड, और वो वॉर का पैसा चुकाने में क्या देते थे, गोल्ड देते थे. तो दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व, जर्मनी के पास जो गोल्ड रिजर्व बचा था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया. एट द टाइम रिसोर्सेज वर स्केयर, और रिसोर्सेज भी धीरे धीरे कम हो गए. In 1923, Germany refused to pay and the French occupied its leading industrial area. अब 1923 में जर्मनी ने refuse कर दिया कि अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अब हम कैसे पेमेंट करें. तो फ्रेंच ने क्या कर लिया, इनका जो लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया था, जो रूहर रीजन था, उसको जो क्लेम करता था कोल के लिए, जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली. फिर जर्मनी ने क्या किया, प्रिंटेड करना स्टार्ट किया पेपर करेंसी को, बहुत अंधाधुंध इन्होंने स्टार्ट कर दिया उस समय. विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल. और जब बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेशन में आने लग गई तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी डिक्लाइन होती चली गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वॉज गिवन इन नाजी स्कूल. किस टाइप की एजुकेशन गिवन थी वहाँ पर नाजी स्कूल्स के अंदर. तो ज्यूज टीचर वर डिसमिस्ड फ्रॉम द स्कूल. अब ये जो थे ज्यूज से पहले ही नफरत करते थे, तो ज्यूज के जो टीचर थे उनको पहले ही स्कूल में से डिसमिस कर दिया गया था. चिल्ड्रन को भी इन लोगों ने सेग्रीगेट किया गया था. जर्मन और ज्यूज कुड नॉट आइदर सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर. जर्मन और ज्यूज दोनों ही ना तो आपस में एक साथ बैठ सकते थे ना ही खेल सकते थे. सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज द फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स. अब ये जैसे कास्ट होती है वैसे वहाँ पर कास्टिज्म जैसे रेस थी वो उसको फॉलो करते थे ये लोग. तो ज्यूज लोग, फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग और जिप्सीज, इन सबको इन्होंने स्कूल से बाहर निकाल दिया था. इनको अनडिजायरेबल चिल्ड्रन के कैटेगरी में माना गया था. स्कूल्स टेक्स्ट बुक वर री रिटर्न, स्कूल की टेक्स्ट बुक को दोबारा से इन्होंने रिटर्न किया. एंड रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस. और रेशियल साइंस का कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे, और जो चिल्ड्रन थे उनको नाजी आइडियाज, नाजी वैल्यू ही पढ़ाई जाती थी. चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव टू हेट द ज्यूस. चिल्ड्रन को ये पढ़ाया जाता था बचपन से ही कि वो लॉयल रहे, सबमिसिव रहे और वो ज्यूस से खूब नफरत करे. एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर की पूजा करे. बॉक्सिंग वर इंट्रोड्यूस एज हिटलर बिलीव दैट इट कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हर्टेड स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलाइन. और बचपन से ही उनको बॉक्सिंग स्टार्ट करा दी गई थी, हिटलर ने इंट्रोड्यूस किया था ये, ताकि चिल्ड्रन क्या डेवलप रह सके, चिल्ड्रन आयरन हर्टेड बन सके, बचपन से स्ट्रॉन्ग बन सके और मस्कुलाइन बन सके, मसल पावर उनमें अच्छी हो सके. नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन इन जर्मन सोसाइटी. अब वुमेन का क्या स्टेटस था जर्मन सोसाइटी के अंदर. चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर टोल्ड दैट वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन. अब नाजी जर्मनी के अंदर वुमेन को टोटली डिफरेंट माना गया था मैन से. वाइल बॉयज वर टॉट टू बी अग्रेसिव मस्कुलाइन एंड स्टिल हार्टेड. बॉयज को इस बचपन से सिखाया जाता था एग्रेसिव रहना,
मसल पावर अच्छी होनी चाहिए, स्टिल हार्टेड होना चाहिए, और गर्ल्स को बोला जाता था टू बी अ गुड मदर्स, कि वो एक अच्छी माँ बने। और यहाँ की मदर्स को बोला जाता था कि वो आर्यंस की जो रेस है उसी को ही अडॉप्ट करें, उसी तरीके के बच्चे उनके होने चाहिए। तो गर्ल्स वर सपोज टू लुक आफ्टर, हैव एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यू, और अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही वो नाजी वैल्यूज़ की एजुकेशन देना स्टार्ट करें बचपन से। वुमेन बियरिंग अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश, और जो अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन मतलब जो आर्यन रेस के बच्चे जिनके नहीं हो पाते थे उनको अनडिज़ायरेबल माना जाता था, उनको पनिश किया जाता था। एंड दोज डिज़ायरेबल और जो डिज़ायरेबल बच्चे पैदा करती थी उनको अवार्ड दिया जाता था। दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वर गिवन कंसेशंस इन थिएटर टिकट्स, रेलवे फेयर्स एंड शॉप्स। और जो डिज़ायरेबल चिल्ड्रन पैदा करते थे उनको क्या दिया जाता था, फेवर ट्रीटमेंट भी दिया जाता था हॉस्पिटल्स में, उनको कंसेशन दिए जाते थे मूवी टिकट्स में, रेलवे फेयर्स में, शॉप्स में। टू इंकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, अ ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर 4 children। अब इंकरेज करने के लिए वुमेन को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, उसके लिए इन्होंने एक स्कीम चलाई थी। ब्रॉन्ज क्रॉस दिया जाता था 4 children पे, सिल्वर दिया जाता था 6 पे, और गोल्ड दिया जाता था 8 children पे या फिर उससे ज़्यादा बच्चे पे। तो दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद द ज्यूज, पोल्स और रशियंस वर पराडेड थ्रू द टाउन विद शेव्ड हेड्स, ब्लैकेंड फेसेस एंड पलस हैंगिंग फ्रॉम देयर नेक्स, सेइंग आई हैव सलिड द ऑनर ऑफ द नेशन। उनको पूरे टाउन में गंजा करके, उनका फेस काला करके पूरे टाउन में घुमाया जाता। तो इन लोगों को इनसे बिल्कुल भी कांटेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं थी, और साथ में इनके टांग दिया जाता कि इन्होंने जो अपना नेशन है उससे गद्दारी करी है। तो इस तरीके का वुमेन का जो ट्रीटमेंट था सोसाइटी के अंदर, जर्मन सोसाइटी के अंदर, वो इस तरीके का देखा गया था। तो ओवरऑल स्टूडेंट जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।